जैसे जैसे विधानसभा चुनाव के दिन नजदीक आते जा रहे हैं, वैसे ही हरियाणा की सियासत की गर्मी की आहट देखने को मिल रही है, जहां दूसरे दल भी उलटफेर करने की तैयारी में जुट चुके हैं। इसी कड़ी में यदि हम बात करें विधानसभा संभालका की, तो सदैव ही यह सीट काफी चर्चित रही है। वहीं भाजपा में शामिल हुए संभालका विधानसभा क्षेत्र के विधायक रविंद्र मछरोली ने भारी भीड़ जुटाकर चुनाव लड़ने के स्पष्ट संकेत दे दिया है। हालांकि रविंद्र मछरोली अब भाजपा में शामिल हैं, जिन्हें हाल ही में मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा की सदस्यता दिलाई थी। भाजपा की सदस्यता दिलाने के दूसरे चरण को भव्य एवं विशाल बनाने के मकसद से रविंद्र मछरोली ने संभालका में विशाल जनसभा का आयोजित किया, जिसमें भाजपा जिलाध्यक्ष प्रमोद विज मुख्य रूप से उपस्थित रहे। वहीं परिवहन मंत्री कृष्णलाल पवार, अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त फ्री स्टाइल रेसलर द ग्रेट खली ने भी समारोह की शोभा बढ़ाई। इस अवसर पर सैकड़ों कार्यकर्ताओं को भाजपा में शामिल कराने की घोषणा करने के बाद रविंद्र मछरोली ने अपने संबोधन में कहा कि वे भाजपा में नए नहीं हैं। विधायक बनते ही उन्होंने बिना शर्त भाजपा को अपना समर्थन दे दिया था और पूरे 5 साल तक भाजपा के कार्यकर्ता बनकर उन्होंने सेवा के कार्य किए। मछरोली ने कहा कि उन्होंने पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता की तरह ही अपने आप को समझा है, यदि संगठन चाहेगा तो वे चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने संभालका की जनता का आभार व्यक्त किया और पूर्व विधायक धर्म सिंह छोकर पर तंज कसते हुए कहा कि धर्म सिंह छोकर को सही तथ्यों की जानकारी नहीं होती है। उन्होंने विश्वास दिलाया है कि भाजपा में शामिल होने के बाद वे ज्यादा ताकत व ऊर्जा के साथ सेवा करते रहेंगे। संभालका के अंदर इतना काम शायद पहली बार होया होगा, आप लोग देख भी रहे हैं। मैं कल एक नेता का भी भाषण सुन रहा था कि ये पुल बनवाया हमने जमुना वाला थुआले वाला, उसको ये भी नहीं पता कि पूरा थुआला बनया है काटा बनया है। वो बता रहा है 130 करोड़ रुपए, उसको ये भी नहीं पता कितने रुपए से ये पुल बनया है। तो ऐसी झूठी बातों में कुछ नहीं रखा। सभी जानते हैं विकास के बारे में मुख्यमंत्री ने हमारे को ये आदेश कर रखा, भाई रविंदर कोई बरादरी चपैड़ गली सभी पार्टियां, शायद 20 तारीख को 18 तारीख को ऐसा हो भी सकता है कि हरियाणा के अंदर, पूरे इंडिया के अंदर हरियाणा एक ऐसा प्रदेश होगा जहां सर्व समिति से बात चल रही है कि भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सर्व समिति से बना दो, क्यों चक्कर में बढ़ रहे हो खामे खाई, क्योंकि उनने भी देख लिया सर्व समिति से बढ़िया कोई चीज नहीं है, रिकॉर्ड बन जाएगा। उधर भाजपा जिला अध्यक्ष प्रमोद विज ने रविंद्र मछरोली की ताकत बढ़ाते हुए मंच पर भाजपा के सभी हलका अध्यक्षों की उपस्थिति का प्रदर्शन किया। उन्होंने विधायक रविंद्र मछरोली की प्रशंसा करते हुए दावा किया कि रविंद्र मछरोली के आने से भाजपा और भी ज्यादा मजबूत हुई है। आपके आने से संगठन और भी मजबूत हुआ है और आने वाले चुनाव में पानीपत चलेगी 4 सीटें, चारों की चारों सीटें हम कार्यकर्ता मिलके मेहनत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालेंगे और माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को एक बार फिर इस प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। आगामी विधानसभा चुनाव में चारों विधानसभा सीट जीतकर भाजपा की झोली में आएंगी। निश्चय ही धन्यवाद समारोह व कार्यकर्ता सम्मेलन में उमड़ी जनता ने रविंद्र मछरोली के जनाधार को नई ऊर्जा देने का काम किया। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी तहलका। Subscribe now, then press bell icon. Never miss an update.